आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडिया ने रशियन Su-30 MKI की तरह अपने अपने कॉपीज क्यों नहीं बनाए, जैसे चाइना ने Su-27 के साथ किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को मणिपुर को सिविल वॉर की तरफ ढकेलने का इल्जाम लगाया है। इसरो 2026 में पहला डेडिकेटेड SSLV कमर्शियल मिसाइल लॉन्च करेगा। यूक्रेन में हाईटेक ड्रोन खतरों का लो टेक जवाब बना पंप एक्शन शॉटगन्स। इंडिया और चाइना दोनों बड़े एशियन पावर्स ने रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट एक्वायरिंग करने का लंबा इतिहास रखा है। Su-30 MKI फाइटर जेट प्रोग्राम के प्राप्ति इनके अप्रोचेस में काफी अंतर था। जब चाइना ने Su-30 MKK को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना स्वदेशी वर्जन विकसित करने का रास्ता चुना, तब भारत ने एक अलग रास्ता अपनाया। इंडिया का Su-30 MKI प्रोग्राम में रशिया के साथ एक जटिल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता शामिल था। इस समझौते के तहत भारत को Su-30 MKI का डोमेस्टिकली उत्पादन करने की अनुमति मिली, जिसमें समय के साथ बढ़ते हुए स्वदेशी सामग्री का प्रभाव शामिल था। लक्ष्य सिर्फ एयरक्राफ्ट को असेंबल करने का नहीं था, बल्कि फ्यूचर में फाइटर जेट की नई पीढ़ी को डिजाइन और विकसित करने की ज्ञान और कौशल प्राप्त करना था। चाइना ने एक तेजी से अप्रोच अपनाया। उन्होंने Su-30 MKI के वेरिएंट्स खरीदा और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कार्यक्रम पर चालू हो गया। इसमें विमान को विवरण से समझने और उसकी डिजाइन और फंक्शनलिटी को जानने के लिए उसका विभाजन शामिल था। इस अप्रोच से चाइना को J-11 और J-16 जैसे अपने वेरिएंट्स तेजी से विकसित करने का मौका मिला, लेकिन इसे पूरी तरह से ज्ञान का ट्रांसफर या नया एयरक्राफ्ट डिजाइन करने की क्षमता अनिवार्य रूप से प्राप्त नहीं हुई। इंडिया का अप्रोच एरोस्पेस क्षेत्र में स्वयं निर्भर बनने के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना प्रतीत होता है। Su-30 MKI प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त इंडिया के एम्बिटियस प्रोग्राम, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में योगदान दे रहा है, जिसका लक्ष्य एक फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट को स्वदेशी रूप से विकसित करना है। भारत और चाइना ने Su-30 MKI फाइटर जेट का कार्यक्रम को अपने अपने तरीके से लिया। चाइना ने जेट को जल्दी से खरीद कर उसकी नकल बनाई, जबकि भारत ने रशिया से टेक्नोलॉजी सीख कर खुद बनाने की कोशिश की। लोकसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर मणिपुर को सिविल वॉर में ढकेलने का आरोप लगाया अपनी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स के कारण। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आलोचना का निशान बनाया है, कहते हुए कि पीएम ने मणिपुर की यात्रा नहीं की जब से वहां जातीय हिंसा बढ़ गई। प्रेसिडेंट के एड्रेस पर शुक्रिया प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसा बर्ताव कर रही है कि जैसे मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा, तुमने मणिपुर को एक सिविल वॉर में ढकेला है, मणिपुर को तुम्हारी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स ने जला दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है जैसे मणिपुर भारत का एक स्टेट ही नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर का कोई महत्व ही नहीं है। हमने प्रधानमंत्री से कहा था कि वो वहाँ जाए और एक संदेश दे, पर कोई जवाब नहीं मिला प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी ने मणिपुर के महिलाओं की मुसीबत पर भी बात की है। उन्होंने कहा, आपके संगठन में महिलाओं के स्थान नहीं है, लेकिन मैं उनकी समस्या पर बात कर सकता हूँ। इसरो की कमर्शियल आर्म NSIL ने 26 जून को कहा कि उनका नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जल्दी अपनी पहली कमर्शियल लॉन्च करेगा। इस उड़ान का मकसद ऑप्टिमस नामक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना है, जो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन कंपनी ने बनाया है। ये अनाउंसमेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और स्पेस मशीन कंपनी ने साथ में की थी इंडिया स्पेस कांग्रेस में, जिसे सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया ने आयोजित किया था। ये नया सहयोग स्पेस मशीन कंपनी की दूसरे ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट का लॉन्च तैयार करता है, जो 450 केजी का है। NSIL के एक बयान के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियन डिजाइन और बनाए गए स्पेस क्राफ्ट है। NSIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राधा कृष्णन दुराई राज ने PTI को बताया कि SSLV के लिए पहला कमर्शियल उपग्रह लॉन्च होगा। पहला कमर्शियल लॉन्च SSLV-D2 मिशन में जानुस नामक एक 10 किलोग्राम वाला सैटेलाइट था। यह उपग्रह 2026 में SSLV पर एक अलग से लॉन्च होने वाला है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण लम्हे को दर्शाएगा। NSIL ने बताया कि ये मिशन, जो स्पेस मैत्री के नाम से जाना जाता है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक महत्वपूर्ण मोर्चा है। यूक्रेन की वार में छोटी ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, खास करके फास्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, जो कि जासूसी और हमला के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
जबकि विकसित एयर डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छी है। हाल ही की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि एक अचानक से प्रभावी समाधान भी है, साधारण पंप एक्शन शॉटगन। और आपको ये भी बता दूं कि शॉटगन ड्रोन्स के खिलाफ क्यों इतना असरदार साबित हो रहा है। FPV ड्रोन्स जो अक्सर व्यापारिक रूप से उपलब्ध होता है और आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है, ग्राउंड पर फौजी के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन रहा है। यहाँ इसीलिए पंप एक्शन शॉटगन्स के खिलाफ एक सक्षम सुरक्षा उपाय के रूप में उभर रहा है, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव, सिंप्लिसिटी, रियलेबिलिटी, स्प्रेड, इफेक्टिव रेंज। पंप एक्शन शॉटगन्स जैसे कि लगता है कि लो टेक हालात है एक हाई टेक युद्ध में, लेकिन ये संभव है कि ये शॉटगन समय बदलते समय में अन्य एंटी ड्रोन उपयोग के साथ इस्तेमाल किया जाएंगे। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानते हैं इंडिया की पहचान।